हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आपके जो है हिंदी के गद्य खंड खत्म हो चुका है और काव्य खंड में दो चैप्टर खत्म हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर है पद जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और इसी को हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि इससे आने वाले प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और मन नहीं लगे पढ़े में तो छोड़ दीजिएगा, हमारा कौनो फायदा है, आप देखिए चाहे मत देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी कविता या कहानी को पढ़ने से पहले आपको इसके राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में राइटर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ज़्यादा ही पूछता है न। देखिए तो पद के राइटर हैं तुलसीदास जी द्वारा और एक पद था सूरदास जी लिखे थे। अब दोनों में अंतर का है, तो जो दूसरा चैप्टर था वो पद था कृष्ण भक्ति से, यानी कि कृष्ण जी के ऊपर लिखा गया था, लेकिन ये जो पद है राम जी के ऊपर लिखा गया है। तो तुलसीदास राम जी से रिलेटेड है, ठीक है, ये पद जो है राम जी से रिलेटेड, और सूरदास किस से, तो श्याम जी के दोस्त किशन जी से है, ठीक है, याद रखिएगा। स से सूरदास, स से श्याम जी के दोस्त कृष्ण जी, ठीक है, और तुलसीदास राम जी। अब देखिए तुलसीदास जी के परिचय को थोड़ा जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 1543 में हुआ था, कहाँ पे, तो राजापुर बांद्रा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा तुलसीदास जी का जन्म 1543 में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग यूपी कहते हैं, ठीक है। इनका निधन जो है 1623 यानी 1623 में हुआ था। अब आपसे प्रश्न इसमें तीन गो बना कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तब 1543 में उनका जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तर देखिए राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनका निधन कब हुआ था, तो 1623 में हुआ था। अब जो है इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम था राम बोला, राम बोला। तुलसीदास जी को जो है जो पूरा मूल नाम था वो राम बोला था। अब इनकी माता का नाम था हुलसी देवी और इनके पिताजी का नाम था आत्मा दुबे। तुलसीदास जी के माता जी का नाम था हुलसी देवी, पिताजी के नाम आत्मा राय, पत्नी का नाम था रत्नावली। लेकिन पत्नी जो है इनकी छोड़कर चली गई, जैसे कि जब इनके जीवन में दुख आया तो दुख को जो है इनकी पत्नी नहीं सह पाई और इनको छोड़ के चली गई कि अब आपके साथ हम नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी दीक्षा गुरु की बारे में बात करें तो नर हरिदास जो हैं इनके दीक्षा गुरु हैं। अगर शिक्षा गुरु की बात करें तो शेष सनातन जो हैं इनके शिक्षा गुरु हैं, ठीक है। दीक्षा कहे के मतलब कि सनातनों के बारे में ज्ञान, यानी कि साधु समाज के बारे में जो ज्ञान होता है वो दिए, और शिक्षा मतलब कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ठीक है। तो दीक्षा गुरु यानी कि नरहरिदास, दीक्षा गुरु नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन। अस्थायी निवास कहाँ के थे, तो काशी के थे। कमेंट में आपको बताना है कि काशी कौन से स्टेट में है, समझ गए, इतना आसान प्रश्न है। उसके बाद इनकी कृतियाँ यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखा था और इससे रिलेटेड प्रश्न एक उन्हें को पूछ भी करता है। तो देखिए कृतियाँ दोहावली इनके द्वारा लिखा गया था, गीतावली लिखा गया था, कवितावली लिखा गया था, रामचरितमानस लिखा गया था और विनय पत्रिका लिखा गया था। किताब में आप देखेंगे तो इनके परिचय में लगभग एक से दो पेज लिखा गया है, लेकिन आपको वही सब पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने उन्हीं को लिखा है जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ते तो समय ज़्यादा बर्बाद होता। अगर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव
दूसरे वे में आता है तो समझिए कि आपका किस्मत ख़राब है। काहे कि आज तक देखिएगा पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव राइटर से यानी तुलसीदास जी से नहीं पूछा है। अब जो है हम लोग इसके इनके पद पे आएंगे तो पद जो है आपसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये पद लिया कहाँ गया है, लिया कहाँ से है, तब विनय पत्रिका जो लिखा गया था इसी से जो है लिया गया है। विनय पत्रिका से ये दोनों पद जो है लिए गए हैं, ये बात याद रखिएगा। अब पद के अर्थ को समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे और इतना आसान भाषा में, आपकी भाषा में, कि आप जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते हैं, इस बात की गारंटी है सर। ठीक है, देखिए कैसे। कबहू का अम्ब अवसर पाई, एक एक लाइन का अर्थ हम आपको बताएंगे। कबहू का अम्ब अवसर पाई यानी कभी भी माँ आपको अवसर मिले, कभी भी, कबहू मतलब हमने कि नहीं कहते हैं गौवा में, कबहू जाएंगे, कबहू यानी कि कभी भी, अम्ब मतलब माँ, यानी कि ये जो पहला पद है इसमें तुलसीदास जी जो हैं अब माँ सीता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी जो है कथा माँ सीता प्रभु से राम तक पहुँचा दीजिएगा, तो कैसे कहते हैं उसी को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, कभी भी माँ सीता आपको अगर अवसर मिले, मौका मिले, मेरियो सुधी धाबई कछु करुण कथा चलाई, तो मेरी जो है ये करुण कथा, कछु मतलब कुछ है, मेरी कुछ करुण कथा, करुण कथा मतलब कि दर्द भरा कहानी, दर्द भरा कहानी, मेरी कुछ दर्द भरी कहानी जो है प्रभु श्री राम के सामने प्रकट कीजिएगा। आपको समझ में आया क्या कहल गया? कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धाई बई कछु करण कथा चलाई, यानी कि माँ सीता अगर आपको कभी भी मौका मिले, अवसर मिले, तो मेरी करुण कथा को, दर्द भरी कहानी को प्रभु श्री राम के सामने जरूर सुनाइएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखिए। दीन सब अगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम लय भरय उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। एक तनि अर्थ समझिएगा। दीन मतलब कि दीन दशा, दीन सब अगहीन यानी दीन दशा सब खराब हो गया है, छीन मलिन अधि अघाई, छीन मतलब कि हम इतना पापी हैं, इतना नादान हैं कि का कहल जाए। दीन सब अगहीन छीन मलिन अघि अघाई यानी अपने बारे में बुराई करते हैं कि हमर दीन दशा पूरा ख़राब हो गया है, हम पूरा पाप किए हैं, पूरा जो है मेरे ऊपर है हो पूरा फलाना ढिकाना। छीन मतलब जो है यहाँ पे पाप, अघि अघाई मतलब कि पाप होता है और छीन मतलब कि दीन दशा पूरा जो है खराब चल रहा है। तो दीन दशा दीन सब अगहीन यानी कि दीन दशा सब जो है खराब चल रहा है, पाप मेरे ऊपर हमसे कुछ पाप हो गया है, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दशा कहाई, आप ही के नाम लेकर जो हैं हम अपना पेट भरते हैं, आप ही के नाम लेकर, कहे का मतलब राम जी के भजन सुना के, राम जी के कथा सुना के जो पैसा वैसा मिलता है उसी से पेट भरते हैं, एक प्रभु दासी दास कहाई, और आपके जो है दास के वो दास है। फिर से तनी समझिएगा, ये दोनों लाइन के अर्थ कहते हैं कि मेरा जो है दीन दशा पूरा ख़राब हो गया है, मैं पापी हूँ, मेरा जो है पूरा एकदम स्थिति खराब है, और मैं आप ही के नाम लेकर, मैं आप ही के नाम लेकर जी रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ, यह कथा मेरी माँ सीता आप जो है श्री राम तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। यही कह रहे हैं कि एगो दासी के दास के जो कथा है वो जरूर श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। दासी के दास यानी दासी किनको कह रहे हैं, तो राम जी की पत्नी जो है रियल में राम जी की दासी हुई है कि नहीं, क्योंकि सेवा करती हैं,
तो दासी के दास यानी सीता के दास हैं कौन? तुलसी जी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस दासी की दास की कहानी जो है राम जी के समक्ष जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। फिर कहते हैं, बुझी है सो है कौन, कब ही नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। बुझी हो सो है कौन, अगर कब ही नाम दशा जनाई, अगर मेरी करुण कथा को यानी मेरी दुर्दशा को श्री राम अगर नहीं बुझेंगे तो और कौन बुझेगा। बुझी हो सो है कौन, अगर श्री राम मेरी जो है दुर्दशा को नहीं बुझेंगे तो और कौन बुझेगा। कब ही नाम दशा जनाई, कभी इस दास की नाम जो है वो तो याद रखेंगे कि कौनो एगो जो है दास मेरा है जो मेरा नाम दिन भर जपते रहता है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरो बनी जाई, और जैसे ही राम की कृपा मुझ पर होगी मेरा बिगड़ा हुआ जो है सब बन जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे देखिए, आगे जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तौ नाथ गुण गाई। बहुते जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, यानी हे जगत की जननी माँ सीता, आप तो सब जानती हैं, आप मेरी इस असहाय दास की जो है सहायता करें। तरे तुलसीदास भव तौ नाथ गुण गाई, और तुलसीदास अपना पूरा जीवन जो है पूरा जीवन देखिए, तरे तुलसीदास भव तौ नाथ गुण गाई, तुलसीदास अपनी इस भक्ति को पूरा करने के लिए यानी राम जी तक बात पहुंचाने के लिए श्री राम का जो है गुणगान करते हैं। अब एक लाइन में अगर इसको आपको लिखना है तब कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे कि माँ सीता से जो है तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सीता, अगर कभी भी आपको जो है समय मिले तो मेरी करुण कथा को जो है प्रभु श्री राम के सामने ज़रूर सुनाइएगा। मेरे जैसे जो है, क्योंकि उन्हीं के नाम लेकर जो है मेरा पेट भरता है, उन्हीं से मेरा जीवन चलता है, और वो अगर नहीं मेरे बात को बुझेंगे तो कौन बुझेंगे, उन तक मेरी बात को ज़रूर पहुँचाइएगा। और अपने दासी के दास का जो है बात प्रभु श्री राम तक आप पहुंचाइएगा, ये मेरी जो है मेरी आपसे प्रार्थना है। हे जगत की जननी, आप इस असहाय की सहायता करें और मेरी जो है मदद करें। ठीक है, ऐसा ही कहते हैं। अब जो है आगे दूसरा नंबर है, दूसरा जो पद है, द्वार है भोर की ओको आज, द्वार हो भोर ही को आजू, फिर से द्वार हो भोर ही को आजू, हो मतलब होता है मैं, तो द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिरीहा आरी और ना कौर ही ते काजू। यानी कि द्वार में आपके द्वार पर जो है सुबह सुबह ही आ जाता हूँ और आपके समक्ष जो है मैं रट रहा हूँ गिरगिरा रहा हूँ, और जो है मैं रट रहा हूँ गिरगिरा रहा हूँ कि और ना कौर ही तो काजू, कि आपकी भक्ति का एक कवर जो है मुझे मिल जाए। यानी खाने का जो एक कवर होता है उसी प्रकार राम जी की भक्ति का जो है एक कवर तुलसीदास जी चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? द्वार हो भोर ही को आजू, यानी सुबह सुबह ही आपके मैं द्वार आ जाता हूँ, रटता हूँ गिरगिराता हूँ कि आपके भक्ति का एक कवर का निवाला जो है मुझे मिल जाए। कली कराल दुकाल दारून सब कुभाति कुसाजू, और अगर आप भिक्षा नहीं देंगे, कहेंगे कि जाकर कोई काम करो, तब काम करो, तो मैं आपसे कहूँगा कि कली कराल दुकाल, यानी कि कलयुग, इस भीषण कलयुग के समय में, कली मतलब कलयुग,
कराल मतलब भीषण और दुकाल मतलब कि समय। तो इस भीषण कलयुग के समय में सब कुभाति कुसाजु, दारुल सब कुभाति कुसाजु, यानी कि पूरा दुनिया जो है अव्यवस्थित है, जिसमें किसी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीच जन मन ऊँचे जैसी कोढ़ में की खाजू। नीच, मैं जो हूँ नीच जन का आदमी हूँ, बहुत नीचे जन का छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ऊँच है, जैसे कि कोढ़ में की खाजू। कोढ़ में की खाजू का मतलब होता है एगो दुख होता है और फिर दूसरा दुख जो है प्रकट हो जाता है। ठीक है, हहरी हिये में सदै बुझियो जाई साधु समाजू। और एक दुख कटता नहीं है कि दूसरा दुख आ जाता है, मेरा दिल जो है हहरता है सदा, मेरा दिल जो है हहरता है, यानी कि दिल में पीड़ा होता है, हृदय में पीड़ा होता है। और जब हृदय में पीड़ा हुआ तो हम जो है साधु समाज के गए, साधु समाज में गए और पूछे कि मेरे इस दिल के पीड़ा को जो है कौन ख़त्म करेगा। मुहू से कहूँ कतहूँ कोई, तीन कहियू कोसल काजू। तो उन्होंने कहा कि आप से राम की भक्ति करें तो आपका जितना भी दुख दर्द जो है दूर हो जाएगा। दीनता दारिद दलय को कृपा बाजू, कृपा बारिधि बाजू, यानी आपकी दीनता दरिद्रता सभी दूर हो जाएंगे अगर जो है श्री राम का जो है आपके ऊपर कृपा हो जाएगा। दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू, यानी दानी दशरथ राय के पुत्र, आपकी कृपा अगर मुझ पे हो जाए तो मेरी दरिद्रता दीनता सभी जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, जन्म से ही मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। पेट भरता है आपकी भक्ति में रहकर, आपकी भजन को सुनाकर ही मेरा पेट जो है भर जाता है। अब बताइए, इतना आसान हम भी पूरा यूट्यूब पे देखे हैं, इतना आसान कौनो नहीं बताइले है एक एक लाइन का अर्थ आपको। हमने आपको बताया, बस आपसे वो रिक्वेस्ट है कि इसका जो है आप अपनी भाषा में बिना यूट्यूब से देखे, बिना गूगल से देखे आप लिखिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आप जो हैं इसको बिना याद किए हुए याद कर सकते हैं। अगर इस वीडियो देखने के बाद आप अपने से कॉपी पे लिख देते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम आशा नहीं विश्वास करेंगे कि आप जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं, लिख के हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपको आपके ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, समय कम है पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, और उसके बाद जो है वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।